तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ ग्रैनी चैप्टर टू दोबारा से। यस गाइस, ग्रैनी चैप्टर टू खेले हुए मेरे को लगता है एक हफ़्ता हो गया है जहाँ तक मुझे याद है। वो तुम अभी जाके देख लेना, मेरे को नहीं पता। तो आज मतलब मैंने बोट एस्केप भी कर रखा है। एंड नहीं, मैंने बोट एस्केप नहीं करा है, नहीं करा है भाई। क्या यार, मेरी याददाश्त जीवन में मेरे को डुबाने का हमेशा काम करती रहती है। तो हाँ, बोट एस्केप मैंने करा हुआ है, गेट एस्केप मैंने करा हुआ है यानी डोर एस्केप मैंने करा हुआ है। तो अब बच रहा है हेलीकॉप्टर एस्केप, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। तो देखते हैं हम हेलीकॉप्टर एस्केप कर भी पाते हैं या फिर नहीं। तो फटाफट से गेम को स्टार्ट कर देते हैं। ये सब तो ठीक है, क्वालिटी भाई हाई हाई क्वालिटी के नीचे तो मैं लगता है मैं कोई गेम खेल लूँ। है महंगा फ़ोन है यार, वैसे डिवाइस वही है, बस ये गेम में इतना कुछ हैवी वाला वो है नहीं, तो यही रीज़न है। बाकी तो कोई ऐसा रीज़न नहीं चला हुआ है यहाँ पर जीवन में। चलो अब मैं अपनी गेमिंग पोजीशन में बैठ गया हूँ, वो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता बिकॉज फिर पूरी सारी चीज़ें रिवील हो सकती हैं, बिकॉज आई एम नॉट डम बॉय। तो भाई तुम देख सकते हो यहाँ पर ये क्या मैटर चल रहा है यहाँ पर, ज़रा मेरे को शक्ल दिखाओ मेरी। तो बहुत दिन बाद दोबारा से ग्रैनी चैप्टर टू खेलते हुए आ चुके हैं हम भाई जीवन में। एंड इसमें तो वही है जीवन में जो नहीं होता, मतलब जैसे कुछ नहीं होता इसमें, वैसा ये रूम है अभी तक। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आदत सी पड़ गई। ओ ग्रैंडपा नीचे है, ओके ग्रैंडपा नीचे है तो ऑब्वियसली ग्रैनी ऊपर ही होगी और ग्रैनी सबसे ज़्यादा चलाक है, तो इसलिए मैं भी ऊपर नहीं जाने वाला अभी तो फ़िलहाल के लिए। पहले नीचे वाला फ्लोर लूट लेता हूँ और इसके अंदर कुछ नहीं था। ग्रैंडपा तेरी बहन को नमन। या मेरे को लगता है मुझे चले जाना चाहिए ऊपर, मतलब भगवान के पास। नहीं भाई ये लो, तुम भाई मेरे को मेरी तरफ हो उनकी तरफ हो है भाई। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल गया, लेट्स गो। मेरे को थोड़ी सी खुशी हुई ये चीज़ देखकर। और यहाँ पर ओ भाई बंदे को देखो भाई, मैं बोल ही रहा था कि भाई यहाँ से ही आ रहा होगा चेला मेरा। ओ भाई ग्रैनी भी नीचे ही है, लेट्स गो यार, काफ़ी अच्छी किस्मत है। नहीं बेकार किस्मत है एकदम। कोई आया नहीं। ग्रैनी देखो गाइस यहाँ पर देखो ग्रैनी खड़ी भी हुई है बट आई नहीं। और गेम का म्यूज़िक ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं इसको बंद ही रखूँगा। ओ यस ग्रैनी जा चुकी है। एंड भाई लोग, मेरे बैकग्राउंड में अगर तुम्हें कोई आवाज़ आए तो इग्नोर करना है, समझ गए। तो देखो फिर वीडियो। टेल मी ग्रैनी यू नीड टू गो। तो गाइस वो देख सकते हो यार तुम, मतलब ग्रैनी तो जा ही रही है, स्पार्क प्लग है। एंड ग्रैनी अगर ऊपर जाएगी तब मेरे को दिक्कत है, नीचे जाएगी तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखते हैं गाइस, ये नीचे जा रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे चुपचाप से जान दूंगा क्योंकि ग्रैनी अगर नीचे जाएगी तो मैं ऊपर जाऊंगा। तो लेट्स गो, जा जा जल्दी जा, जा। भाई ग्रैंडपा यहाँ से ना आ जाए, कहीं पेल ली जाऊँ मैं, पेल दिया जाऊँ मैं। स्पेलिंग मिस्टेक भाई, जीवन में स्पेलिंग मिस्टेक बाबू, ये स्पेलिंग का चक्कर है भाई जीवन में। और स्टन गन मिल गई बेटा, आ जाओ अब किसी से डरता नहीं हूँ मैं। ये बार यार हाथ में स्टन गन या फिर कोई वेपन आ जाता है ना, तब तो ऐसा लगता है कि मतलब पूछो मत यार, कैसा लगता है। मैं मेरे पे कोई शब्द ही नहीं भाई, मैं यार अपना अच्छा खासा लूट रहा हूँ यार। वो ऐसे आके मार रही है ग्रैनी पकौड़ी कहीं की, तू तो नीचे गई थी इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गई। या ओ शिट ब्रो, स्टन गन भी ऊपर ही, और अब मेरे को पता है भाई, अच्छे से पता है मुझे ग्रैनी का, वो मुझे ऊपर नहीं जान देगी। यार मैं लूट रहा था यार, ग्रैनी एकदम से आ गई पीछे से भाई, क्या बे यार। बट कोई नहीं, फिलहाल के लिए तो चलता है यार, अब ऐसे ही होता भाई जीवन में। जीवन में अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा यार, मेरे को भी नहीं मालूम जीवन में क्या क्या होता है। और ग्रैंडपा देखो गाइस वो रहा, और ऊपर चलते हैं और अपनी स्टन गन उठाने का ट्राई करना चाहता था मैं। वेयर आर यू स्टन गन, हेलो। ओहो भाई हेलो, ये क्या है
ये क्या हो गया भाई, ये क्या है? रुक जाओ, मेरे को पहले समझने तो दो भाई, समझने का तो टाइम दो एटलीस्ट। ये मैंने क्या करा भाई? ग्रैनी भाई साहब, तुम्हारा भाई तो क्लच गॉड हो गया, ग्रैनी भी भाई सुट हो गई। ये क्या कर दिया मैंने? इट्स लाइक का भाई पूछो ही मत यार। ओए वो खेबड़ी खेबड़ी इधर भाई, ये ले, पूरा शोर सपाटा कर दूंगा भाई तेरी। ओ अंकल, आपको नहीं बुलाया था, आपको पार्टी में इनवाइट किसने भेजा? उसको ही मैं पार्टी से निकाल देता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप तो पार्टी के मेन गेस्ट हो। खेबड़ी कहीं की चली जाए यहाँ से, तेरी आँखों हैं या बटन है भाई? ओ नहीं नहीं नहीं, अबे खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा जीवन में क्या यार। ओ यार तुम भाई डबल मीनिंग बात क्यों करते हो यार? भाई मेरे को मरना ही था, मुझे पता था भाई मैं मरूंगा। वो गाइस ना ऐसे ही भगे जा रहा, मेरे को पता था मैं मरूंगा आगे जाके, और वही हुआ जीवन में जैसा होता है। तो भाई लोग मुझे भी नहीं पता ये मैं क्या कर रहा था भाई, बट हो गया, जो भी हो गया। और ये चुम भाई, मैंने पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग ऑन करी। आई एम डैम सॉरी भाई, ये कैसे पड़ा हुआ, आई डोंट नो भाई, मैंने कुछ नहीं करा, मैं इसकी इस हालत का जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड बाय द वे मेरे को यहाँ पर ग्लास फ्यूज भी मिल गया था, और वहाँ पर क्रोबार है, और स्टन गन तो मेरे हाथ में ही है जैसा कि तुम देख ही पा रहे हो। एंड यहाँ पर रेंच मिल गया जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट वेपन की मिल गई है वो भी अच्छी चीज़ हो रही है। सब मेरे को अच्छा अच्छा आइटम मिल रहा है, बट तब भी तुम लोग सोच रहे होगे तू खुश क्यों नहीं है, बिकॉज अभी मैंने दो लाइफ गवा दी, मतलब दो दिन गवा दिए अपने जीवन के, जिनका जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं चाय का भागना ही भागना भाई। और यार मेरे को तो ये समझ नहीं आता ये घर में आया क्यों भाई, कौन है ये बंदा यार? मेरे ऐसा बंदा ना रात को भाई खराटे मार के सोता रहता भाई, समझ लो भाई, मेरे को पता भी नहीं रहता दिन दुनिया का मैं कहाँ पर हूँ, सो रहा हूँ बस, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। घर पे जो तोड़ दो भाई, तुम्हें जो करना है कितनी भी खटपट मचा दो भाई, मैं नहीं आऊँगा, मैं उठता ही नहीं, मेरे को नहीं उठना भाई, आई एम इट्स लाइक हरामखोर मैन, मेरे को उठना ही नहीं, मैं बोलता हूँ भाई मेरे को उठाओ मत, मैं सो रहा हूँ, मेरे को सोन दो। स्कूल के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में उठता हूँ यार। स्कूल वालों एक रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोगों से यार, थोड़ा टाइम डिले करो यार जीवन में, 9 बजे का कर निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई। तो यार टाइम ठंड हो रही है वैसे भी, अरे तेरी बहन को सुबह तो गई, इतनी मस्त पैकी नींद आती है यार, किस चीज़ को मेरी तरह स्कूल जाने के टाइम पर ही नींद आती है भाई, कमेंट्स में ज़रूर बताना जो जो लोग मेरे से रिलेट कर रहे होंगे इस वक्त। तो भाई तुम लोग एकदम तो मेरे तरह ही हो, बस हम एक डिफरेंस है, मैं तुम लोग अमीर हो और मैं गरीब हूँ, तो ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, जीवन में सब चलता है। एंड लेट्स गो, ये भी चलता ही है भाई जीवन में, जैसा सब चलता है वैसे ये भी चलता है, अपना गेम भी चलता है। ओ यार मुझे मीट लाना ही पड़ेगा, मेरे को लग रहा था यहाँ पर वो बॉम्ब होगा तो मैं उससे मतलब वो कर दूंगा उसी को, मतलब मेरे को वो नहीं लाना पड़ेगा मीट, बट अब मेरे को मीट लाना ही पड़ेगा, मीट लाना पड़ेगा। वैसे गाइस मेरे को तो लग रहा है शॉटगन से इसे ठोक देता हूँ, बट नहीं यार शॉटगन से नहीं शॉटगन से ही करना पड़ेगा, बट वो अभी पीछे आ रहा है तो मैं जब तक शॉटगन की वो उठाऊँगा तब तक वो मैं पी जाऊँगा, तो इसलिए आई डोंट नीड शॉटगन फॉर दिस, आई जस्ट नीड टू गो एंड पिक माई स्टन गन। इतनी इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ आई डोंट नो भाई, तुम घर पे रैपट मारने के लिए मत आ जाना, ये भाई मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। वैसे गाइस मेरे को इतनी इंग्लिश आती भी नहीं जितनी मैं बोल रहा था अभी 2 सेकंड पहले। इधर आइयो जरा, तूने उधम मचा रखा है, कांगिया ये कांगिया बेटे तू इधर आ जा, तेरे में मैंने 2 रैपट नहीं मारे ना जब तक, तब तक मेरे को चैन नहीं मिलेगा। ये गया था भाई, अभी तो ये यहीं था। अभी गाइस तुम, मेरी शर्त है अभी मैंने ये स्टन गन ड्रॉप करी ना, ये बंदा ऐसी फुर्ती में आएगा, बात तो सही है ना, ऐसी फुर्ती में आएगा, तुम लोग बोलोगे भाई हुसैन बोल्ड फेल है भाई, तुम लोग ये लिटरली बोल दोगे भाई हुसैन बोल्ड फेल है भाई, इसके आगे तो इतनी तेज भक्के आएगा ये हरामखोर, और अभी इसको आना नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो स्टन गन है ना, तो इसलिए अभी इसको आना नहीं है, तो बट कोई नहीं,
अपने पास अभी मीट आ चुका है जिसका हम जाएंगे और केकड़े को खिलाएंगे अपने दोस्त को, क्योंकि ग्रैनी ने तो उसे 4 सालों से भूखा रखा हुआ है। बट कोई नहीं मेरे चेले, तेरा दोस्त आ गया तेरे को बचाने के लिए। नहीं आया भाई, कौन है तू? क्या रे बिग बन गया, कौन है तू? कौन कहता है मैं इसका दोस्त हूँ भाई? मैं हूँ ही नहीं इसका दोस्त ग्रैनी, तूने तो इसको बता नहीं भाई। तू हर घंटे में इसको मीट देती है यार, पता नहीं कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है। तू 4 साल से इसे खाना नहीं दिया उसने। यार ये अफवाहें सिर्फ जस्ट अफवाहें मैन, और कुछ नहीं है ब्रो ये। अरे हाँ, मैं ग्रैंडपा की बात कर रहा था, मैं ग्रैंडपा की बात कर रहा था गाइस। ग्रैनी अच्छी है, ग्रैंडपा बेकार है सर। ले वो भाई यहाँ पर आ जाओ फटाफट से, और हेलीकॉप्टर की भी मिल गई, लेट्स गो। कूल कूल कूल, आगे मैं बोलूँगा नहीं, तुम समझ जाओ बस। आगे बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। तेरी बहन को नमन। चलो भाई, ग्रैंडपा को तो मैंने 2 दिनों के लिए सुला दिया। अरे हट जा, हटता नहीं है यार, दिमाग की दही हो जाती है। अब गाइज मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फटाफट से जाके पिक्चर्स लगा देता हूँ, या फिर पिक्चर्स पहले ले आता हूँ सारी की सारी यहाँ पर, फिर आराम से लगाऊँगा। 2 पिक्चर्स नीचे ही पड़ी हैं, और मेरे को लगता है शॉटगन का भी काम आ सकता है, तो शॉटगन का भी कर लेते हैं। तो गाइस तुम 2 मिनट रुको यार, मैं सारी की सारी ये मतलब जितनी भी पीस ऑफ पिक्चर हैं सारी तुम्हें कलेक्ट करके ही मिलता हूँ, तो 2 मिनट रुक जाओ। गाइस फिलहाल के लिए तो मैंने वो तीनों की 3 पिक्चर ऊपर जाके लगा भी दी है, और इसको चैन नहीं है बुड्ढे को। कोई नहीं, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। हाँ तो मैं क्या करता, अब मुझे वो शॉटगन चाहिए जो कि मैंने ऑब्वियसली मैंने कर ही दिया था उसको, मतलब अब मेरे को शॉटगन चाहिए, बिकॉज उससे मैं थोड़ी मास्टरगिरी दिखा देता हूँ इनको। वॉट इज दिस मैन, जस्ट वेट एंड वॉच वॉट आई डू, बिकॉज यू आर नो, यू डोंट नो हाउ टू प्ले दिस गेम, एंड बुड्ढा इज ऑलवेज कम। भाई मैं डरा एक्चुअली में यार, मैं डरा बुढ़िया। चल बेटी पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं किसी को, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं गाइस, फटाफट जाते हैं, तो तुम 2 मिनट को मैं ये पूरे 3 अंदाज अपनी थोड़ी दिखा के आता हूँ, शूटिंग स्किल्स जिसमें मैं बहुत बेकार हूँ, बट फिर भी दिखा के आता हूँ, तो 2 मिनट रुक जाओ। हाँ तो भाई मैंने अपनी शूटिंग स्किल्स दिखा दी है वहाँ पर, जो कि बहुत बेकार थी, बट कोई नहीं, जीवन में सब चलता है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ग्लास फ्यूज़ लेके जाना है, जो कि ग्लास फ्यूज़ यहीं पड़ा है, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है। मेरा ग्लास फ्यूज़ तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट जाते हैं लगा के आ जाते हैं, ज़्यादा कोई काम है नहीं है, तो इसके लिए भी तुम 2 मिनट रुको। जब तुम्हें 2 मिनट की बोलता हूँ भाई, तुम्हें 1 सेकेंड भी नहीं रुकना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड भी मत रुको, मैं फटाफट से लगा के आता हूँ। तो गाइज अभी मेरे को याद आया कि डक्ट टेप की भी ज़रूरत पड़ती है, और मैं इतना बड़ा डम हूँ कि मुझे इसकी याद नहीं आई, तो इसमें तो नहीं है भाई डक्ट टेप, नहीं है। अब मैं फंस गया हूँ बिकॉज अब मेरे पास डक्ट टेप नहीं है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है मेरा। तो अभी भी 2-3 ऑप्शंस बचे हुए हैं जहाँ पर मुझे डक्ट टेप मिल सकती है। यस गाइज बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं अभी मेरे लिए, तो वेट कर रहे थे। और ये एक मैंने शायद से नहीं खोल के देखा था, इसमें डक्ट टेप नहीं है, तो कोई नहीं चलता है। और भाई मेरे को सेफ की भी तो नहीं मिली, केकड़े के मैं गया था, केकड़े को मैंने खिला दिया था, नहीं हाँ केकड़े को तो मैंने खिला दिया था, वहीं से तो मेरे को वो मिली थी। हाँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा। अरे हाँ मैं उसको क्रोबार से वो खोल सकता हूँ ना, हाँ मैं क्रोबार से ये खोल सकता हूँ, क्या बोलते हैं ये वाला बॉक्स। तो पहले का इसे काम करते हैं, कितना टाइम हो गया वैसे, 6 बज गए, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर एक बार देख के आते हैं, यहाँ पर भी कभी भाई लिटरली भाई इतनी अच्छी किस्मत है क्या मेरी है यार? नहीं बस तुम बता दो यार एक बार, नहीं मेरा मन कर रहा है यार तुमसे सुनने का, इतनी अच्छी किस्मत है क्या मेरी भाई, इतनी अच्छी किस्मत भाई साहब। एक काम करते हैं, ओ भाई हेलो, ये क्या बात होती है, मैंने अभी गन फेंकी है खेवड़ी। अच्छा यहाँ से इधर हूँ, इधर हूँ। तो भाई आई एम डैम सॉरी यार, मैं कुछ काम करने चला गया था, तो मतलब मेरे पापा ने मुझे कुछ काम दे दिया, तो इसलिए मैं वो करके आ रहा हूँ अभी। तो वो वीडियो तो कट गई थी, मतलब जो मैंने अभी बना रहा था मैं, पता नहीं 13-14 मिनट की थी, तो ये मैं दोबारा से बना रहा हूँ बिकॉज वो वीडियो कट गई थी स्क्रीन ऑफ होने की वजह से।
तो ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। कोई नहीं, वो तुम्हें एडिट, मैं थोड़ा सा तुम्हें एडिटिंग में लग सकता है कि इसने ये एडिट करा है, एक दो सेकंड का कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो टेंशन मत लेना यार, चलता है इतना, तो देख लेना पर वीडियो। लेकिन मैंने पूरा स्किप कर दिया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, ये तुम्हारी मर्जी, ये मर्जी है, इट्स लाइक ये मर्जी ही है, मैं तुम्हारी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी है। जल्दी जाके लाइक करो, नहीं तो तुम्हें कब पेल दिया जाऊँगा भाई, मेयर को पेल देते हैं यार लोग, पिल जाता हूँ भाई मैं स्कूल में। तो तुम अगर चाहते हो तुम्हारा भाई एकदम पेल दे बंदों को, चार पांच बंदे एक साथ पिल जाए मेरे से, तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से जाके, समझेगी नहीं समझे। और एक बात मेरे को अभी अभी याद आई कि मैं इतना बड़ा पागल हूँ यार, ये मेरे को भूल जाता हूँ, यस गाइस मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं इतना बड़ा पागल हूँ। तो वेट, मैं इतनी देर से इतना गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये याद नहीं आया कि मैं ये गेट भी खोल सकता हूँ। तो इस लाइक यही, इसी कामों की वजह से मैं डम साबित होता हूँ। तो कर दिया एस्केप है मैंने, इट्स लाइक सुपर इजी फॉर मी मैन। उड़ जा भाई, हेलो, ओ भाई उड़न तस्तरी ख़राब है क्या, अबे क्या है ये सीन इसका, भाई उड़ नहीं रहा, बहुत देर हो गई, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, पता चल रहा है पता चल रहा है। हाँ तो चलो यार, हमने हेलीकॉप्टर एस्केप कर दिया है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर, अबे दो सेकंड के अंदर प्रकट भी हो गए, हट खेबड़ी कहीं की, खेबड़ी और खेबड़ा दोनों साथ में दिखे, आज दिन बहुत बेकार जाएगा। तो कोई नहीं, वैसे दिन एंड ही होने वाला है, 6 बज गए। हाँ तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ तुमसे, ऐसी धांसू वीडियो रहेगी शायद से, हाँ धांसू वीडियो रहेगी, तो धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।